आप देख रहे हैं एसएफबी न्यूज और मैं हूं अनिला कंवल। गवर्नमेंट बॉयज प्राइमरी स्कूल गोट मीर कुर्बान खान पलाल कई सालों बाद तालीमी सरगर्मियां बहाल। सियासी समाजी रहनुमा मीर मंजूर खान पलाल ने रिबन काट कर स्कूल का इफ्तिताह कर दिया। देखते हैं गंदाफा जाफराबाद से नूर हसन जमाली की रिपोर्ट। गवर्नमेंट प्राइमरी स्कूल गोट मीर कुर्बान खान पलाल में आज बाकायदा तौर पर तालीमी सरगर्मियां बहाल हो गईं। स्कूल में काफी अरसे से टीचर ना होने की वजह से स्कूल बंद था, जिसके बाद कवाली रहनुमा मंजूर अहमद पलाल की कोशिश से महकमा तालीम बलूचिस्तान की जानिब से हालिया भर्ती होने वाले CTSP टीचर गुलाम हैदर राहूजा ने चार्ज संभाल कर काम शुरू कर दिया। इस मौके पर इफ्तिताही तकरीब मुनक्किद की गई और स्कूल के टीचर्स ने आने वाले मेहमानों को फूलों के हार पहनाए। मेहमान खास DDO खैरबख्श मरी इलाके के मौजूद शख्सियात मीर मंजूर अहमद खान पलाल, मीर दीदार हसन पलाल, LC तारुफ अली जमाली ने खिताब भी किया। इस मौके पर मिडिल स्कूल बागटेल के हेडमास्टर अब्दुल समी चन्ना, उस्ताद असदुल्ला जहरी, उस्ताद मौलवी नेमतुल्ला जमाली, हबीबुल्ला खोसा, अब्दुल नबी पलाल मंशी, अब्दुल कादिर खोसा और दीगर भी मौजूद थे। मजीद खबरें देखने के लिए देखते रहे SFB न्यूज़। फॉलो करें SFB न्यूज़ को YouTube, Twitter और Facebook पर।